असलकुम आज के लेक्चर के साथ सरवर मुनीर राव हाजिर हाँ हैं आज हम न्यूज़ रिपोर्टिंग और सब एडिटिंग के इस मजमून को पढ़ते हुए जिस उनवान पर गौर करेंगे वो रिपोर्टर से मुतालिक हैं इसमें हम पढ़ेंगे कि रिपोर्टर क्या है यानी उसकी डेफिनेशन तारीफ क्या है रिपोर्टर और जर्नलिस्ट में क्या फ़र्क है रोल ऑफ रिपोर्टर यानी उसका किरदार क्या होना चाहिए उसकी क्वालिटी यानी खसूसियात उसमें क्या हों इसी तरह हम प्रिंट मीडिया यानी अखबार के रिपोर्टर रेडियो के रिपोर्टर और टेलीविजन के रिपोर्टर के दरम्यान क्या फर्क है और इनमें तमीज़ कैसे की जा सकती है इनका डिफरेंस क्या है इस पर भी गौर करेंगे इसके साथ साथ हम रिपोर्टर न्यूज कास्टर एंकर और एक्टर में फर्क का भी जायजा लेंगे ताकि हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो के रिपोर्टर दरअसल क्या है तो हम सबसे पहले चलते हैं ये मालूम करते हैं कि जर्नलिस्ट और रिपोर्टर में क्या फ़र्क है तो ये एक बड़ी छोटी सी बात है कि जर्नलिस्ट तो हर कोई हो सकता है वो शख्स जो मीडिए से मुत्ल हो खबर बनाता हो वो सहाफ़ी है हाँ उसका ताल्लुक रेडियो से हो टेलीविजन से हो अखबार से हो वो सहाफ़ी है वो न्यूज रूम में भी काम कर सकता है लेकिन ये जरूरी नहीं कि न्यूज रूम में काम करने वाला रिपोर्टर बन जाए या एडिटोरियल लिखने वाला रिपोर्टर बन जाए रिपोर्टर वो होता है जो फील्ड में जाता है इसलिए रिपोर्टर की डेफिनेशन जरा आप नोट कर लें ए जर्नलिस्ट हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर गैदरिंग इंफॉर्मेशन एंड प्रेजेंट इट ऑन ए मीडिया इज कॉल्ड रिपोर्टर यानी एक ऐसा फर्द या शख्स जो बुनियादी तौर पर तो ही है उसे खबर बनानी आती है लेकिन उसका काम फील्ड में जाकर खबर को हासिल करना गैदर करना और फिर इसके साथ उसको मैस मीडिया पर पेश करना रिपोर्टिंग कहलाती है लेकिन अगर एक सहाफी एक शख्स न्यूज रूम में काम कर रहा है खबर की एडिटिंग कर रहा है तबसरा लिख रहा है एडिटोरियल लिख रहा है तो वो जरूरी नहीं कि वो रिपोर्टर भी हो रिपोर्टर का फील्ड में जाकर खबरों को हासिल करना मुख्तलिफ मुख्तलिफराए से आके उसको थाट प्रोसेस से गुजारना और उस प्रोसेस को कंप्लीट करने के बाद जब तहरीर में लाना या टेलीविजन स्क्रीन पर सामने आकर पेश करना या नेट पर या इंटरनेट पर आकर खबर को पेश करना वो शख्स जो गैदर करे और जो प्रेजेंट करे खुद चाहे तहरीरी तौर पर या शख्सी तौर पर खुद अपीयर हो पर्सनल Uh, अंदाज में पेश करे स्क्रीन के सामने आकर ऑन कैमरा करे ऑफ कैमरा करे वो रिपोर्टर कहलाता है रिपोर्टर की एक और बड़ी ही अहम तारीफ है दैट इज के रिपोर्टर इज पोज टू बी द कॉम्प्लिकेटेड इश्यूज इन सिंपल एंड कम्युनिकेटिव मैनर मैं रिपीट करता हूँ कि रिपोर्टर इज पोज टू बी एक्सप्लेनर ऑफ कॉम्प्लिकेटेड इश्यूज इन सिंपल एंड कम्युनिकेटिव मैनर इस तारीफ से ही जाहिर है कि रिपोर्टर वो शख्स होगा जो पेचीदा मामलत की मालूम हासिल करे और उनको आसान जबान में आवाम तक पहुँचाए मीडिया के जरिए पहुँचाए या अखबार में उसको तहरीर करे जैसे बजट एक बहुत बड़ा कॉम्प्लिकेटेड मैटर होता है बजट को समझना इतना आसान नहीं है कि हर आदमी बजट को समझ ले या दो मुल्कों के खारजा ताल्लुक में बड़ी पेचीदगियाँ होती हैं रिपोर्टर पहले उसको समझता है इसके बाद वो फिर उसको एक्सप्लेन करता है इस अंदाज़ में कि आम आदमी उसको समझ ले इसी तरह मुख्त एक्सपोर्ट इम्पोर्ट पॉलिसीज आती हैं बहुत से कॉम्प्लिकेटेड इंटरव्यूज़ होते हैं क्रिमिनल केसेस होते हैं अदालतों के फैसले होते हैं मुख्तलिफ मौजुआत पर बहस हो रही होती है एक एक दो दो घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है उसमें से वो चंद मिनट या चंद सफे या चंद पैराग्राफ की खबर बनाता है और उसका जिस्ट इस अंदाज में आपको तहरीर करके पेश करता है या बताता है कि आप उस पेचीदा मामले को आसानी से समझ जाएं, उस तनाजे उस इख्तलाफ की नोयत को समझ जाएं, उसके हल करने के लिए जो बातें हो रही हैं वो समझ जाएं That's why it is called that reporter is supposed to be the explainer of complicated issues in simple and communicative manner. Reporter nukte ko bhi aap kar ke reporter gathers information in variety of ways, such as tips, press release, witness events, interviews, public record. और अदर सोर्सेस इन सब को रिपोर्टर अप्रोच करता है किसी से टिप लेता है या किसी से कोई पॉइंट पूछता है उसके बाद प्रेस रिलीज को पढ़ता है शहादतें लेता है गवाह लेता है डॉक्यूमेंट्स को इंस्पेक्ट करता है लोगों के इंटरव्यूज करता है पब्लिक रिकॉर्ड को देखता है और उस रिकॉर्ड को एनालाइज करने के बाद वो इन सोर्सिस की बुनियाद पर खबर तैयार करता है तो रिपोर्टर

जिनको इंटेलिजेंस एजेंसियां कहते हैं इंटेलिजेंस एजेंसियां भी इंफॉर्मेशन गैदर करती हैं वो भी मुख्तलिफ जगह से टिप्स लेती हैं वो भी मुख्तलिफनेस जो हैं उन तक जाकर उन इवेंट्स की तफसीलात मालूम करती हैं बाज़ात एजेंसियों के रिपोर्टर भी इंटरव्यूज कर रहे होते हैं पब्लिक रिकॉर्ड्स की छानबीन कर रहे होते हैं इसके बाद वो उनसे जो इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं या डिराइव करते हैं उस इंफॉर्मेशन को वो प्रोसेस करके अपने अदारे की ज़रूरत के मुताबिक उसका ड्राफ्ट तैयार करते हैं और वो अपने सीनियर्स को प्रेजेंट करते हैं बिल्कुल इसी तरह जैसे एक इंटेलिजेंस एजेंसी का रिपोर्टर अपने मखसूस मकसद को हासिल करने के लिए इंफॉर्मेशन इतला या मालूम हासिल करता है इसी तरह जर्नलिस्ट भी अपने अदारे अपने प्रोफेशन और आवाम की दिलचस्पी की चीज़ों में खसूसी इंटरेस्ट लेता है मेहनत करता है और वहाँ से खबर निकाल के आवाम को मीडिया के जरिए पेश करता है जिस तरह इंटेलिजेंस एजेंसी का रिपोर्टर अपने अदारे के मुफाद के लिए काम करता है बिल्कुल इसी तरह टेलीविज़न रेडियो अखबार नेट या वेब का रिपोर्टर भी अपने अदारे के इंटरेस्ट के लिए काम करता है इंटेलिजेंस एजेंसी के रिपोर्टर का इंटरेस्ट ये है कि एजेंसी को जिस किस्म की मालूम चाहिए वो उसी तरफ कंसनट्रेट करता है इसी तरह मीडिया का रिपोर्टर या जर्नलिस्ट जब किसी खबर के असूल के लिए जाता है तो वो उसमें उन एलिमेंट्स को तलाश करता है जिन एलिमेंट्स की बुनियाद पर वो एक दिलचस्प और अच्छी खबर माशरे के लिए या टारगेट ऑडियंस के लिए ढूंढ सके और जिसका एक लॉर्जर इंपैक्ट हो जब वो ये इंफॉर्मेशन गैदर कर लेता है तो उसके बाद वो उस इंफॉर्मेशन को आवाम तक पहुंचाता है रिपोर्टर इज ए पर्सन खास तौर पे मीडिया रिपोर्टर या टेलीविजन रिपोर्टर या अखबार रिपोर्टर इज ए पर्सन हु कवर्स द इवेंट विच इज असाइन टू हिम बाय द ऑर्गेनाइजेशन न्यूज़पेपर आर ए टीवी चैनल इसी ऑब्जेक्टिव के तहत वो काम करता है अब मैं आपको रिपोर्टर के हवाले से एक और पहलू की निशानदेही करता चलूं कि रिपोर्टर की तारीफ और उसकी काम की नोयत से तो आप किसी हद तक अब बाखबर हो चुके हैं लेकिन रिपोर्टर का एक किरदार होता है एक रोल होता है रिपोर्टर के लिए लाजिम है कि वो जो ख़बर भी पेश करे वो इस अंदाज की हो कि जिसके लिए खबर पेश की गई है चाहे अखबार में लिखी जाए रेडियो या टेलीविजन से नशर की जाए या इंटरनेट और वेब पर आए तो जो उसको पढ़ रहा है देख रहा है या सुन रहा है वो उसको समझ सके वो उसके इंपैक्ट का फायदा उठा सके तो इसीलिए कहा जाता है कि मेन रोल ऑफ ए रिपोर्टर इज टू प्रेजेंट न्यूज इन ए डाइजेस्टेबल फॉर्मेट फॉर व्यूअर्स डाइजेस्टेबल फॉर्मेट क्या है एक छोटी सी मिसाल से आपको यह चीज क्लियर हो जाएगी जब हम कोई गजा खाते हैं तो हमारे स्टोमिक में उसकी प्रोसेसिंग होती है डाइजेस्ट प्रोसेस होता है वो हजम करने के प्रोसेस को डाइजेस्ट कहते हैं जब आप ज्यादा खुराक खा लें या कोई ऐसी शकील चीज खा लें जिसकी प्रोसेसिंग में स्टोमिक को प्रॉब्लम हो तो पेट में दर्द हो जाता है आपको हजम नहीं होती आपको और मसाइल और मुश्किल का सामना करना पड़ता है डॉक्टर की मदद लेनी पड़ती है मेडिसिन लेनी पड़ती है बिल्कुल इसी तरह एक रिपोर्टर जब फील्ड में जाता है दस्तावेजात को एग्जामिन करता है इंटरव्यूज करता है या डेटा प्रोसेस करके लाता है तो उसके पास मालूम का एक बड़ा जखीरा मौजूद होता है उस जखीरे को जब वो लेकर बैठता है अगर वो इस जखीरे को ऐसे ही नशर करना शुरू कर दे कोई भी टेलीविजन चैनल या अखबार छापना शुरू कर दें तो कारी और सामे या नाजिर जब उसको देखता या पढ़ता या सुनता है तो उसके जहन में एक तस्वर जाता है कि यार ये तो खबर ही समझ नहीं आ रही इसका कोई सर पैर ही नहीं है पता नहीं कहां की मालूम कहां डाल दी तो इसलिए उसको डाइजेस्टेबल मैनर में तैयार करने के लिए रिपोर्टर को खबर का इंट्रो बनाना पड़ता है खबर का मतन लिखना पड़ता है खबर का कंक्लूजन लाना पड़ता है तो इंट्रो में क्या चीज़ डालनी है मतन में क्या चीज़ डालनी है और अख्तामिए में क्या चीज़ डालनी है ये सारे पहलुओं में वो हक वो फैक्ट्स वो ख़बर का मवाद वो इस तरह समोता है कि जब खबर पढ़ने वाला या देखने वाला या सुनने वाला उसकी तरफ तवज्जो दे तो उसको वो खबर पूरी तरह समझ आ जा जाए तो उसको कहते हैं इन ए डाइजेस्टेबल मैनर ही शुड प्रजेंट द्यूज़ टू दीवर्स इसके अलावा रिपोर्टर का जो वक्त है वो भी तकसीम होता है रिपोर्टर्स स्प्लिट देयर टाइम बिटवीन वर्किंग इन द न्यूज रूम एंड गोइंग इन द फील्ड टू विटनेस इवेंट्स आर इंटरव्यू पीपल वेरी सिंपल कि एक रिपोर्टर को न्यूज रूम में भी काम करना पड़ता है और फील्ड में भी काम करना पड़ता है जबकि एक सब एडिटर को या वो लोग जो न्यूज़ रूम के अंदर काम कर रहे होते हैं उनके लिए लाजिम नहीं है कि वो फील्ड में जाकर खबरें लाएं तो न्यूज़ रूम जो ख़बरों का मंबा होता है ख़बरों के तमाम सोर्सेज वहाँ जमा होते हैं उसे वहाँ बैठना पड़ता है अखबार देखने पड़ते हैं अपने सीनियर से इंस्ट्रक्शन लेनी पड़ती हैं और फिर वो फील्ड में रवाना होता है वहाँ से इंफॉर्मेशन गैदर करके वो फिर न्यूज़ रूम में आता है और न्यूज डेस्क को अपनी खबर बना के देता है तो उसने अपने दिन को इस तरह डिवाइड करना होता है कि वो न्यूज रूम की फंक्शनिंग का भी पार्ट होता है और फील्ड का भी पार्ट होता है जब वो फील्ड में होता है तो उसे बैक होम यानी न्यूज रूम से रबते में रहना होता है इंस्ट्रक्शन सीख करनी होती हैं इंफॉर्मेशन न्यूज रूम को देनी होती है अपडेट देना होता है कि मैं कहाँ हूँ मेरे पास क्या खबर है मैं कितनी देर में पहुंच रहा हूं और जैसे ही वो न्यूज रूम में पहुंचता है तो वो अपने काम में मसरूफ हो जाता है और वहां से अपनी रिपोर्ट फाइल करके या अगर उसको प्रेजेंट करना है टेलीविजन पे तो स्टूडियो में चला जाता है या वहीं उसके टेलीफोन पे रिकॉर्डिंग हो जाती है फील्ड से या अदरवाइज तो रिपोर्टर हैज टू डिवाइड इट्स टाइम इन न्यूज रूम एंड इन द फील्ड इसीलिए कहा जाता है रिपोर्टर स्प्लिट देयर टाइम बिटवीन वर्किंग इन न्यूज रूम एंड गोइंग इन द फील्ड टू तो विटनेस इवेंट्स आर इंटरव्यू पीपल जबकि डेस्क के लोगों के लिए ये मुश्किल मसाइल नहीं होते अब एक और पहलू की तरफ आपको मैं लेकर जाता हूं जिससे आपको रिपोर्टर की अहमियत उसके अंदाजे नजर और उसके काम के स्टाइल का अंदाजा होगा सपोज आप एक रिपोर्टर हैं आप एक जगह से गुजर रहे हैं और दूसरे लोग भी जा रहे हैं आप अचानक विटनेस करते हैं कि एक एक्सीडेंट हो गया जब एक्सीडेंट होता है तो वहां मौजूद लोग इमदादी कार्रवाईओं में मसरूफ हो जाते हैं ह्यूमन नेचर है, है। पुलिस दौड़कर आ जाती है वो आके वहां एक्सीडेंट के काजेज डिटरमिन करने लग जाती है पासर पासरबाई या रास्ते से गुजरने वाले लोग वहां पहुंचते हैं वो खड़े होकर उस मंजर को देख रहे हैं अपने तबसरे कर रहे हैं ये हर एक पुलिस का अपना काम है वहां से पासर पासरबाई गुजरने वालों का अपना काम है इमदादी कार्रवाई वालों का अपना काम है जख्मियों की सूरत हाल जो है वो एक डिफरेंट अप्रोच है लेकिन जब रिपोर्टर वहां अगर मौजूद हो मौके पर तो उसको सबसे पहला काम ये करना चाहिए ही शुड ऑर्गेनाइज हिमसेल्फ वो अपने आप को नजमो जब्त में एक रखे इधर उधर ना भागे वो ऑब्जर्व करे ऑर्गेनाइज योअर सेल्फ फर्स्ट ऑफ ऑल देन मस्ट टू डू इन ए लिटल टाइम आपको ये सारा काम बड़े छोटे से वक्त में करना होगा आप वहां खड़े हैं आपने एक्सीडेंट देखा आप एकदम अपने हवास पर काबू पाए और उसके बाद सोचें कि अब मैंने खबर किस तरह तैयार करनी है यू आर नॉट एन ऑब्जर्वर बिहेव लाइक ए जर्नलिस्ट वहां आपने चीजों को देखना नहीं है लेकिन आपने जर्नलिस्ट के तौर पर मुशाहिदातीवत का फौरी अमल करके अपने आप को ऑर्गेनाइज करना है और फर्दर इंफॉर्मेशन हासिल करनी है आप फौरन पूछें ये दो गाड़ियां किस सिमत से आ रही थी इनमें कितने मुसाफिर थे हादसा ड्राइवर की गलती से हुआ या इसकी वजह कोई और थी टेक्निकल थी सड़क खराब थी या गाड़ी का इंजन काम नहीं कर रहा था या ड्राइवर सो गया था इन सब कॉजे को उसने डिटरमिन करना और अपनी स्टोरी का हिस्सा बनाना है इसके साथ साथ उसने अपनी स्टोरी का इंट्रो मतन और इख्तामिया भी वहीं अपने जहन में तय करना है अगर वो अखबार का रिपोर्टर है तो वो स्टोरी लिख के टेलीफोन पे फॉरन न्यूज रूम को दे देगा अगर वो टेलीविजन का रिपोर्टर है तो फोन पर अपना बीपर रिकॉर्ड कर देगा बीपर क्या है ये हम आपको अगले लेक्चर्स में बताते रहेंगे लेकिन अपनी आवाज रिकॉर्ड करवाना टेलीफोन पर या सवाल जवाब देना इसको भी बीपर कहते हैं इसी तरह जब वो अपनी खबर मुकम्मल कर लेगा तो वो रिपोर्टर अपनी दूसरी असाइनमेंट की तरफ चला जाएगा लेकिन एक आम आदमी खबर वहाँ बनाकर पेश नहीं कर सकता इसलिए आपको अपने हवास को कायम रखना है अपनी जहनी सलाहियतों को मुजतमे या इकट्ठे करना है और फौरी तौर पर ख़बर के नुकात जमा करके इंतहाई स्पीड से अवामी दिलचस्पी को सामने रखते हुए उस खबर को बना के आपने रिपोर्ट करना है तो ये मेन काम रिपोर्टर का है कि अगर वो अचानक किसी इवेंट पे मौजूद हो तो उसे कैसे रिपोर्ट करनी है इसके साथ साथ मैं आपको एक और बात भी बताता चलूं रिपोर्टर तो एक जेनरिक नेम है उस सहाफी या जर्नलिस्ट का जो फील्ड से इंफॉर्मेशन गैदर करके न्यूज रूम या टीवी चैनल के जरिए खबर भेज रहा है लेकिन रिपोर्टर्स की जिम्मेदारियां भी मुख्तलिफ होती हैं कुछ रिपोर्टर बीट रिपोर्टर कहलाते हैं बीट एक खास फील्ड होती है जिसमें उस रिपोर्टर को काम करना होता है बीट्स क्या है इसको हम तफसील से अपने आइंदा लेक्चर्स में पढ़ेंगे लेकिन यहां मैं आपको वजाहत करता चलूं कि एक जनरल रिपोर्टर्स होते हैं जो हर तरह की कवरेज कर लेते हैं अमूमी छोटे मोटे इवेंट्स बड़े इवेंट्स जहां जरूरत हो वो चले जाते हैं लेकिन जो लोग स्पेशलाइजेशन करना चाहते हैं वो बीट रिपोर्टर कहलाते हैं कोई फॉरेन ऑफिस की बीट पकड़ लेता है कोई क्राइम की बीट पकड़ लेता है कोई स्पोर्ट्स की बीट पकड़ लेता है तो जिस जिस फील्ड में जिसकी एक्सीलेंस हो कोई अदलिया की रिपोर्टिंग करने लग जाता है कोई एजुकेशन रिपोर्टर कहलाता है कोई शोबिज रिपोर्टर होता है तो जिस जिस फील्ड में जो रिपोर्टर या जर्नलिस्ट स्पेशलाइजेशन कर रहा है वो उसकी बीट कहलाती है और हर बीट रिपोर्टर को अपनी बीट की कोई स्टोरी मिस नहीं करनी होती अगर वो स्टोरी को मिस करता है तो उसकी ऑर्गेनाइजेशन या उस अदारे का मालिक या उसका एडिटर या उस चैनल का डायरेक्टर न्यूज उस रिपोर्टर से पूछता है यू आर अकाउंटेबल ये आपकी बीट थी दूसरे रिपोर्टर्स ने ये स्टोरी फाइल कर दी लेकिन आपने नहीं की एंड इफ यू आर ए बीट रिपोर्टर तो आपको उस बीट को सामने रख के अपनी प्लानिंग करनी है न्यूज गैदर करनी है उसकी डिससेमिनेशन करनी है प्रेजेंटेशन करनी है या उसको पेश करना है तो इसलिए बीट रिपोर्टर्स की अपनी एक बड़ी अहमियत होती है इसके साथ साथ अब हम एक और पहलू की तरफ बढ़ते हैं दैट इज कॉल्ड क्वालिटीज ऑफ रिपोर्टर एक रिपोर्टर में क्या क्वालिटीज होनी चाहिए अगर उन क्वालिटीज़ पर आप पूरा उतरते हैं तो आप एक अच्छा रिपोर्टर शुमार होंगे और इसकी असेसमेंट कोई इतनी मुश्किल नहीं है हर शख्स अपने ज़मीर और अपनी सलाहियतों की बेस्ट असेसमेंट कर लेता है जिस तरह आप कोई गलत काम कर रहे हैं तो आपके अंदर एक घंटी बजती है जिसको सिर्फ वही शख्स सुन सकता है जिसको कहते हैं हम ज़मीर की आवाज़ कि उसने अच्छा काम किया है या गलत किया है उसके बाद वो फिर तय करता है कि वो गलत काम पर डटा रहेगा या उसकी असलाह करके अच्छा काम हो जाएगा इसी तरह जब मैं अब आपको रिपोर्टर की खसूसियात या क्वालिटीज पर जब मैं तफसील से बात करूंगा तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या आपके अंदर रिपोर्टिंग की वो सलाहियतें वो खसूसियात मौजूद हैं जिसकी बिना पर आप एक अच्छे रिपोर्टर बन सकते हैं तो सबसे पहले मैं आपको एक जर्नलिस्टिक या एक एब्रीविएशन मुखफ या चार अल्फाज आपको दिखाता हूं इसके मफहूम को सोचिए क्या है दैट इज आई पी टी बी ये अंग्रेजी के चार अल्फाज हैं इनको अगर आप गौर करें तो इनसे एक लफज एक फिक्रा बनेगा और वो फिक्रा आप समझ लें कि दैट इज द की ए रिपोर्टर जैसे किसी ताले की एक चाबी होती है अगर वो किसी के पास चाबी हो आप बीस चाबियां लगाए तो वो ताला नहीं खुलेगा जब तक चाबी उस ताले को ना लगाई जाए IPTB के पीटी को बड़ी रिसर्च के बाद निकाला गया है और आई पी टीबी इज ए की फॉर ए गुड रिपोर्टर आईपीटीबी क्या है आई कहते हैं इट पेज

इनक्विजिटिव हैं, सवाल पूछ रहे हैं या आपकी बॉडी लैंग्वेज बता रही है कि आप अभी मजीद मालूम हासिल करना चाहते हैं आपकी प्यास नहीं बुझी तिश्नगी महसूस कर रहे हैं आप डल और स्टेल नहीं, नहीं हैं, आप एक्टिव हैं और मुतजस हैं तो आप खबर हासिल कर लेंगे आप एक अच्छे रिपोर्टर बनेंगे तो इफ यू वॉन्ट टू बी ए गुड रिपोर्टर इन फ्यूचर प्लीज डिवेलप ए करेक्टरिस्टिक्स ऑफ इनक्विजिटिवनेस इट विल ऑलवेज पे यू टू बी ए गुड रिपोर्टर क्योंकि दुनिया में हर शख्स के पास कहानियां हैं वाकत हैं हालात बदलते रहते हैं ये लॉ ऑफ नेचर है दिन के बाद रात सुबह के बाद शाम धूप के बाद छाओ खुशी के बाद गम गर्जे के तब्दीली जिंदगी की अलामत है और इस तब्दीली में ही खबरें मौजूद होती हैं लेकिन इस तब्दीली का इदराक होना इसको समझना और इससे ख़बरें हासिल करने का तजस होना बड़ी बुनियादी चीज़ है तो आपके अंदर भी एक तलातुम शख्सियत में होना चाहिए एक पन होना चाहिए आपको मतहरक होना चाहिए आप में तोानाई होनी चाहिए और आप सवाल पूछने की जरूरत रखते हों आप में तजस्स हो तो आप अगले से कहानियाँ उगलवा सकते हैं किससे सुन सकते हैं सवालात पूछते हैं क्योंकि दुनिया में एवरी वन हैज़ ए स्टोरी टू टेल अपनी कहानी कोई किसी को आसानी से नहीं सुनाता जब तक के सुनने वाला उसके मैार पर पूरा ना उतर रहा हो जिंदगी की मुख्तलिफ बातें आपके मुख्तलिफ फैसले आपने जिंदगी कैसे गुजारी आपका मुस्तबिल कैसे बनेगा आप जो सोचते हैं वो रिपोर्टर जब आपके सामने आएगा तो उसके पास ऐसे टूल्स होते हैं ऐसी सलाहियतें होती हैं कि वो खबर उगलवा लेता है प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो ऐसा सवाल करता है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाला अगर जवाब ना भी दे रहा हो तो वो जवाब देना शुरू करता है और फिर वो उसके काउंटर क्वेश्चंस इंटरव्यू में करता है इन सारे अमल से वो एक खबर उगलवा लेता है तो इट इज ऑलवेज इट पेज टू बी एन इनक्विजिटिव इसलिए आपको अच्छी से अच्छी खबर हासिल करने के लिए अपने अंदर तजस की सलाहियत को पैदा करना है इसके साथ साथ आपके अंदर दूसरी सलाहियत या क्वालिटी एकोरेसी की पहचान होना चाहिए और एकोरेसी की पहचान इतनी आसान नहीं है उसके लिए आपका बेसिक नॉलेज चीज़ों के बारे में होना चाहिए और इतना होना चाहिए कि आपको पता चल जाए कि जो चीज़ मैं हासिल कर रहा हूँ ये सच्चाई पर मबनी है कि नहीं अगर आप सच तक पहुंच गए तो आपकी स्टोरी आपकी खबर हिट होगी और कोई वजह नहीं कि आप एक अच्छे रिपोर्टर ना बन सकें तीसरी क्वालिटी आप में क्विकनेस टू रिपोर्ट होनी चाहिए स्पीड तजस और एक्यूरेट खबर लेने के बाद जब आपके पास खबर आ जाए तो आप वो लेकर वहां बैठ ना जाए पहली फुर्सत में उसको न्यूज रूम को भेजें या अगर टेलीविजन के रिपोर्टर हैं तो बीपर दें और अपनी स्टोरी को आप फौरन नशर करवाएं ताकि आप किसी दूसरे चैनल से पीछे ना रह जाएं तो स्पीड भी आपके लिए बड़ा काम करती है इसके साथ साथ आप के अंदर एक इस चीज़ का एलिमेंट भी होना चाहिए कि जिसके लिए आप ये खबर बना रहे हैं या जो टारगेट आपके चैनल का या न्यूज़पेपर का है रीडर है या नाजिर है उसका इंटरेस्ट उस खबर में मौजूद हो जब आप उसके इंटरेस्ट को पेशे नजर रखेंगे तो आपकी खबर की तरफ तवज्जो दिलाई जाएगी एक और क्वालिटी रिपोर्टर में होना बड़ी जरूरी है दैट इज कॉल्ड ही शुड हैव ए कूल हेड, यानी वो एक ठंडे दिलो दिमाग का इंसान हो अगर वो जज्बाती है अगर उसमें नेचर एग्रेसिव है अगर वो जल्दी में है जैसे कहते हैं ना हेस्ट में वेस्ट तो आप सारा हुआ हुआ काम खराब कर सकते हैं इसके लिए आपको कूल हेड होना चाहिए ठंडे दिलो दिमाग से काम करना चाहिए यू शुड नॉट बी कैरिड अवे मसला अगर आप कोई क्राइम होते देख रहे हैं तो आप उसको इस अंदाज में देखें कि आप उससे खबर निकाल सकें आप अगर कोई एक्सीडेंट देख रहे हैं तो आपका दिल इतना मजबूत होना चाहिए कि आप उस एक्सीडेंट के जो असरात हैं उसके ताबे आप खबर मिस ना कर दें अगर आप वार रिपोर्टिंग कर रहे हैं तो एयर अटैक अगर हो रहा है या मिजाइल आ रहे हैं और आप किसी ऐसी महफूज जगह पर बैठे हैं तो आप उसको रिपोर्ट कर सकते हैं लेकिन अगर आप उसकी आवाज से ही डर गए तो आप रिपोर्ट तो ना कर सकेंगे इसलिए आपका काम कोलेक्टेड और कूल cool होना जरूरी है एंड इबेलिटी टू वर्क इन एन एटमोसफियर जहां हरी और एक्साइटमेंट तो यकीनन मौजूद हो लेकिन आपने बड़े पीसफुली काम अपना काम मुकम्मल करके उस एनवायरनमेंट से खुद को निकालना है और जाके अपनी खबर देनी है लेकिन अगर आप उस एनवायरनमेंट से नहीं निकलेंगे उस एनवायरनमेंट का हिस्सा बन जाएंगे तो यू आर नॉट ए रिपोर्टर आप तो खुद खबर बन जाएंगे इसलिए ऑलवेज बी कूल हेडेड वैन यू आर इन द फील्ड वेन यू आर इंटरव्यूइंग वेन यू आर मीटिंग पीपल आर यू आर गैदरिंग न्यूज फ्रॉम एनी सोर्स इसके साथ साथ रिपोर्टर को एक टीम लीडर का रोल भी अदा करना पड़ता है अगर आप एक कैमरामैन, एक इंजीनियर के और एक ड्राइवर के साथ किसी असाइनमेंट पर जा रहे हैं तो यू आर ए टीम लीडर आपको कैप्टन ऑफ द शिप भी कहा जाता है तो आप में वो तमाम सलाहियतें हों कि आप अपनी टीम मेंबरान की नफ्सियात से वाकिफ हों उनकी जरूरियात से वाकिफ हों लॉजिस्टिक अरेंजमेंट्स पूरे हों जिस मंजिल पे आपको जाना है उसका आपको पता हो और वहां की हैजर्ट्स और एनवायरमेंट जिस किस्म की है उसके अंदर आपने काम करना है आपने दूसरों को मोटिवेट करना है अपना पैशन बरकरार रखने के साथ साथ उनका पैशन भी बरकरार रखना है तो यू शुड बी ए लीडर ऑफ द टीम और टीम स्पिरिट आप में मौजूद हो सेक्रीफाइस का जज्बा आप में हो टॉलरेंस हो सेंस ऑफ अकामोडेशन आप में हो अगर आप दूसरों को एकामोडेट कर सकते हैं आप सबर से काम ले सकते हैं आप बर्दाश्त कर सकते हैं कोई ऐसी बात या ऐसे हालात तो आप लीडर हैं अदरवाइज टीम मेंबर आपके साथ बहुत ज्यादा देर तक नहीं चल सकेंगे इसलिए इफ यू वांट टू बी ए सक्सेसफुल रिपोर्टर प्लीज टेक केयर एंड डेवलप द क्वालिटीज ऑफ ए लीडर यू आर ए टीम लीडर इसके साथ साथ रिपोर्टर में क्विकनेस ऑफ थॉट्स होनी चाहिए ख्यालात और सोच और फिक्र उसमें बड़ी तेजी से आनी चाहिए बट कपल विद एक्सी इफ यू आर नॉट एक्ट इन थॉट और क्विक हैं बेशक तो आप गलत फैसला कर लेंगे उस एनवायरनमेंट में आपने फैसला करना है कि इसमें से मैंने खबर कौन सी निकालनी है कैसे देनी है कितनी जल्दी देनी है तो बी क्विक इन थिंकिंग बट ऑलवेज बी एक्ट एक और पहलू एक अच्छे रिपोर्टर के लिए है फिजिकल फिटनेस आपकी जहनी सलाहियतें तो ठीक हों आपको खबर बनाना भी आता हो लेकिन जिसमानी तौर पर आप अगर लागर हैं बीमार हैं टफ नहीं हैं, आपके जिसमानी आजाब पूरी तरह फंक्शन नहीं कर रहे तो आप जब फील्ड में होंगे तो वहां तो एनवायरमेंट ऑल टूगेदर चेंज हो सकती है कोई हैजर्ट आ सकती है कोई रुकावट आ सकती है कोई मुश्किल पेश आ सकती है कम्युनिकेशन हासिल करने में प्रॉब्लम हो सकती है फूड की डिफिकल्टी हो सकती है और बादत आपको ट्रांसपोर्ट की बजाय पैदल सफर करके किसी ऑब्जेक्ट तक जाना होता है तो यू शुड बी ए फिजिकली फिट मैन इफ यू वांट टू तो बी ए रियल सक्सेसफुल रिपोर्टर इसके साथ साथ आपके अंदर एक अवेयरनेस और अलर्टनेस हो आप विजिलेंट हो आप जिस जगह काम कर रहे हैं जब फील्ड में हैं अगर आप अवेयर नहीं है एनवायरमेंट से अगर आप अलर्ट नहीं है मैसेज रिसीविंग से और अगर आप विजिलेंट नहीं है किसी भी किस्म की ऑर्ड सिचुएशन के अक्रेंस के बाद तो आप फिर रिपोर्ट तो नहीं कर सकते यू विल बी ए पार्ट ऑफ दैट सिचुएशन सो बी अलर्ट अवेयर एंड विजिलेंट वेयर एवर यू आर इन सब क्वालिटीज में आपके एक अच्छे रिपोर्टर बनने का राज पोशीदा है इसके साथ साथ आज मीडिया और जर्नलिज्म तरक्की की उस स्टेज पर पहुंच गया है कि जहां टेक्निकल डेवलपमेंट ने सब चीजों को टेक ओवर कर लिया है हावी हो गई है अगर आप कन्वेंशनल अंदाज की रिपोर्टिंग करना चाह रहे हैं तो आप आज सोसाइटी की पेस सोसाइटी की रफ्तार के साथ नहीं चल सकते इसके लिए जरूरी है कि जो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हो रही है आप उससे वाकिफ हों आपको एप्लीकेशन ऑफ टेक्नोलॉजी रिपोर्टिंग में आती हो आप कंप्यूटर इस्तेमाल कर सकते हो आप नॉन लीनियर एडिटिंग जिसे एन कहते हैं उससे भी आप वाकिफ हों आपको कैमरे की कैपेबिलिटी का पता हो आपको पता हो कि फील्ड में वाइट बैलेंस या रजिस्ट्रेशन ऑफ कैमरे की क्या अहमियत है अगर आप सेटेलाइटिंग कर रहे हैं तो आपको पता हो कि किस सेटेलाइट के जरिए आपने मैसेज अपलिंक करना है और उसके बाद किस सेटेलाइट ने वो मैसेज आपके पॉइंट पर डाउन लिंक करना है उसके चार्जेस क्या हैं उसकी बुकिंग का तरीकेकार क्या है आपने मोबाइल सेट के जरिए अगर वीडियो भेजनी है तो उसको आपने किस फ्रीक्वेंसी पर भेजना है एफ अगर आपने करनी है तो उसका तरीकेकार क्या है आर बी गैन का तरीकेकार क्या है लैपटॉप के जरिए अगर आप कोई मैसेज या लैपटॉप के जरिए वीडियो ट्रांसफर करना चाहते हैं तो उसका प्रोटोकॉल क्या है आपको टेलीफोन लाइन इस्तेमाल करनी है या वायरलेस लाइन इस्तेमाल करनी है गर्जे के जितनी टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट है वो अगर आपकी समझ से बाहर है तो वेन एवर यू इन द फील्ड यू विल बी बीटन बाई ए पर्सन हु नोज बेटर टेक्नोलॉजी देन यू इसलिए आज के दौर में इंसान की जिस्मानी और जहनी सलाहियतों के साथ साथ तकनीकी तरक्की और तकनीकी इंस्ट्रूमेंट्स पर हावी होना भी जरूरी है इफ यू वांट टू बी ए रिपोर्टर ऑफ दैट रिप्यूट यू मस्ट स्टडी टेक्नोलॉजी क्या है उसके लिए आप नेट से भी पढ़ सकते हैं आपको बुक्स भी अवेलेबल हैं आप अपने टीचर से भी पूछ सकते हैं तो अब रिवायती रिपोर्टिंग का जमाना नहीं है कि आपने खबर बनाना सीख ली आप रिपोर्टर बन गए आप जिसमानी तौर पर तंदरुस्तवाना तो है आपका जहन सही काम कर रहा है तो आप रिपोर्टर तो बेशक बन जाएंगे लेकिन इस कंपिटिटिव पीरियड में इस मसाबकत की दौड़ में जहां मुकाबला ही मुकाबला है आपको टेक्नोलॉजी को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है इसके साथ साथ एक और सलाहियत आप में होना जरूरी है दैट इज कॉल्ड डेडिकेशन डेडिकेशन और इंटेग्रिटी बड़ी अहम चीज है डेडिकेशन है सेल्फलेस होना अपने मुफादात को अलग रख के किसी काम या मकसदियत को हासिल करना डेडिकेशन कहलाता है आप अगर रिपोर्टर बनना चाहते हैं तो आपको उसके लिए अपने आप को डेडिकेट करना पड़ेगा अपना वक्त सर्व करना पड़ेगा अपनी फैमिली का वक्त कम करके इस शोबे को देना पड़ेगा इसके लिए जरूरी है कि आप डेडिकेशन से काम करें और इंटेग्रिटी ये कि आप किसी से ब्राइब ना लें किसी से रिश्वत ना लें किसी के मुफाद की खातिर काम ना करें क्योंकि इसका नुकसान ही आपको होगा आपकी रेपुटेशन को आपकी शोहरत को आपकी अदारे में इज्जत व तकरीम को माशरे में जब आपका नाम एज ए रिपोर्टर नुमाया होगा लेकिन आप अगर छोटे से मुफाद की खातिर अपनी इंटेग्रिटी को दाव पर लगा गए पेशा वारा ज़िम्मेदारी और जस्टिस के तकाजों को पेश नज़र न रखा तो आप एक अच्छे और एक ऐसे रिपोर्टर की तौर पर बिल्कुल कामयाब ना होंगे जो इस दौर का तकाजा है इसके अलावा आपके पास रिसोर्सफुल होने की सलाहियत होनी चाहिए वट इज रिसोर्सफुलनेस रिसोर्स फुलनेस इज ए क्वालिटी ऑफ बींग एबल टू कूप विद अ डिफिकल्ट सिचुएशन एबिलिटी टू डील विद अनयूजुअल यूजल प्रॉब्लम्स रिसोर्सफुल आदमी वही होता है कि जब वो किसी मुश्किल में गिरफ्तार हो तो अपने आप को उस मुश्किल से कैसे निकालेगा उसके लिए रिसोर्सिस कैसे पैदा करेगा उसमें आपकी गुड पी यानी पब्लिक रिलेशनशिप भी काम आती है आपकी प्रोफेशनल प्राइड भी काम आती है आपका प्रोफेशनल बैकग्राउंड भी काम आता है आपके वो ताल्लुक भी काम आते हैं जो आपने इस शुबे में मुख्तलिफ मौकों पर कायम किए हैं तो रिसोर्सफुल वही होता है कि जब वो रिपोर्टर किसी मुश्किल में गिरफ्तार हो जाए अनकाल फार हो अचानक हो मैन मेड हो या एक्सीडेंटल सिचुएशन में वो किसी जगह ट्रैप हो जाए तो रिसोर्सफुल शख्स वही होता है जो उसमें से रास्ता निकाल कर सक्सेसफुली निकल जाए तो रिसोर्सफुल होना भी आपके लिए जरूरी है बाज़ात आप ऐसी असाइनमेंट्स पर होते हैं कि आपकी सर्वोलेंस हो रही होती है आप ट्रैप कर लिए जाते हैं कुछ अदारे आपको गिरफ्तार भी कर सकते हैं लेकिन आपके रिसोर्सफुलनेस होने का मतलब यह है कि जब आप कहीं हो आपका लिंक कायम हो कुछ लोगों से कोई फ्रीक्वेंसी पर आपके साथ हों जैसे उनको पता चले वो आपकी मदद के लिए पहुंच जाएं, आप खुद खबर ना बने बल्कि जब वापस आएं तो आप बहुत सी खबरें लेकर आएं इसी तरह आपके पास इबेलिटी और जराए या मींस होने चाहिए टू मीट दैट सिचुएशन इफेक्टिवली आप मुश्किल वक्त में उस पोजीशन या उस सिचुएशन को तब्दील करने की सलाहियत रखते हो इसके साथ साथ टाइम मैनेजमेंट के हवाले से मैंने पहले भी बात की लेकिन मैं यहां फिर एक स्ट्रेस अपॉन करूँगा कि एक अच्छे रिपोर्टर के लिए टाइम को मैनेज करना इंतहाई अहम है अगर वो न्यूज रूम और फील्ड में टाइम मैनेज कर रहा है तो उसके साथ साथ उसके लिए जरूरी है कि वो यूटिलाइज करे मैक्सिमम टाइम टू अचीव हिज ऑब्जेक्टिव अपने मकसद को रिपोर्टिंग के मकसद को खबर को हासिल करने के लिए वो मैक्सिमम टाइम यूटिलाइज करे तो वो बहुत अच्छी और तफसीली खबर ला सकता है इसके साथ एक और अहम चीज जो एक रिपोर्टर में हो तो उसे इस प्रोफेशन में एक्सेल करने में बड़ी मदद मिलती है दैट इज कॉल्ड द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग फैसला साजी की क़ुत बर वक्त फैसला करना और ऐसा फैसला करना जिससे प्रोफेशनल एक्सीलेंस या प्राइड जाहिर हो आप मुख्तलफ़ की सिचुएशंस में होते हैं उन सिचुएशन में आप उसी वक्त कामयाब हो सकते हैं जब आपकी कुत फैसला आपके साथ हो आप लोगों की तरफ फैसले के लिए ना देख रहे हो एक अच्छे लीडर और एक अच्छे रिपोर्टर की तौर पर आप सिचुएशन को भाप लें और फ़ौर एक डिसीजन लें और वह डिसीजन ऐसा हो जिसमें आपको प्रोफेशनल सहूलत हो लेकिन अगर आपने उस फैसले में देर कर दी तो आपके हाथ से वक्त निकल जाएगा इसीलिए कहा जाता है कि डिसीजन मेकिंग इज ए प्रोसेस ऑफ रिकग्नाइजिंग ए प्रॉब्लम आर एन अपॉर्चुनिटी एंड फाइंडिंग ए सोल्यूशन टू हिट डिसीजन मेकिंग या फैसला साजी बर वक्त एक ऐसा प्रोसेस है जिस पर अमल करके आप एक मौके को जाया होने से बचा सकते हैं एक सिचुएशन को खराब होने से बचा सकते हैं तो डिसीजन मेकिंग की सलाहियत एक रिपोर्टर के लिए बड़ी अहम है इसके साथ साथ मैं आपको यह भी बताता चलूं कि आज के दौर में रिपोर्टर्स की कई किस्में हैं मसलन एक रिपोर्टर प्रिंट मीडिया का रिपोर्टर है एक रेडियो का रिपोर्टर है एक टेलीविजन का रिपोर्टर है टेलीविजन रिपोर्टर के साथ साथ आज के दौर में वेब के लिए और मुख्तलि न्यूज इंटरनेट साइट्स के लिए भी लोग रिपोर्टिंग करते हैं तो अब हम ये देखते हैं कि हर रिपोर्टर की सलाहियतों और उसकी खसूसियात में क्या फ़र्क है उसको काम किस एनवायरनमेंट में करना पड़ता है तो सबसे पहले प्रिंट मीडिया के रिपोर्टर आते हैं प्रिंट मीडिया हो रेडियो हो टेलीविजन हो अखबार हो या वेब कास्टिंग रिपोर्टिंग हो इन सब के लिए बेसिक क्वालिटीज ऑफ द रिपोर्टर आर सेम आपको बिल्कुल इस सिलसिले में किसी नौत की कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए क्योंकि बुनियादी चीज़ें सब रिपोर्टर्स में मुशतरका हैं मसल उनको आई पी टी भी होना चाहिए इनकुजिटिव होना चाहिए उनकी फिजिकल फिटनेस होनी चाहिए जहनी सलाहियतें ठीक काम करती हों वो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में पूरे उतरते हों उनको नोज फार न्यूज़ हो हर एनवायरमेंट से निकलने के लिए रिसोर्स उनके पास मौजूद हों ये तो सब क्वालिटीज़ बराबर हैं लेकिन प्रिंट मीडिया रेडियो और टेलीविजन के रिपोर्टर के बुनियादी फ़र्क दो तीन है प्रिंट मीडिया के रिपोर्टर के पास पेंसिल और पेन या कागज़ होता है और वो उसकी बुनियाद पर ख़बर लिखता है उसके लिए ड्रेस की पाबंदी नहीं होती उसके लिए आवाज़ की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि उसने कोई माइक पे रिपोर्ट नहीं करना अगर उसके पास अच्छा कागज़ और पेन उस मौके पर मौजूद है और उसकी जहनी सलाहियतें वो बेसिक क्वालिटीज़ पूरी हैं तो वो अखबार के लिए बिल्कुल कामयाब रिपोर्टर है वो एक्सक्लूसिव ख़बरें भी लाएगा वो स्पेशल ख़बरें भी लाएगा बीट की खबरें भी लाएगा जनरल ड्यूटी रिपोर्टिंग भी कर लेगा लेकिन जब आप रेडियो के रिपोर्टर बनना चाह रहे हैं तो बेसिक क्वालिटीज़ नेचुरली आपकी वही होंगी जो सब रिपोर्टर्स में है उसके साथ साथ आपकी वॉइस क्वालिटी में क्लैरिटी हो आप आर्टिकुलेट हों आप कम्युनिकेटिव हों यानी आपको बोलना आता हो जब आप रेडियो के माइक पर कोई ख़बर नशर करेंगे तो कम से कम आपकी आवाज़ दूसरे को समझ आए क्लियर हो आपको बोलने में पता हो कि आर्टिकुलेट कैसे होना है मैंने कहाँ पास देना है कहाँ बोलना है कहाँ रुकना है किस जगह पर जोर देना है कहाँ आवाज़ धीमी रखनी है क्या टोन है मेरी रिपोर्टिंग की खबर किस नोयत की है मैं अच्छी खबर दे रहा हूं तो मेरी आवाज़ दबी हुई ना हो अगर मैं गम की कोई ख़बर दे रहा हूं तो मेरी आवाज़ से खुशी ना झलक रही हो बहरहाल ये बुनियादी चीज़ें हैं इसके अलावा रेडियो रिपोर्टर को रेडियो के टेक्निकल टूल्स से भी वाकफियत होनी चाहिए उसको पता हो कि माइक कैसे काम करता है रिकॉर्डर कैसे काम करता है और साउंड क्वालिटी को कैसे एडिट किया जाता है इसके बाद अगला मरहला टेलीविजन रिपोर्टर का है टेलीविजन रिपोर्टर में भी बेसिक क्वालिटीज़ वही होती हैं जो रेडियो और प्रिंट मीडिया जर्नलिज्म के रिपोर्टर के लिए होती हैं पैड और पेन उसको भी चाहिए वॉइस क्वालिटीज़ उसके पास भी वो होनी चाहिए जो रेडियो रिपोर्टर के पास हैं अगर वो सक्सेसफुल है लेकिन इसके साथ साथ उसके पास एडिशनल चीज़ें जो होनी चाहिए उसमें उसका फेस है उसका चेहरा स्क्रीन का फ्रेंडली हो वो जब स्क्रीन पे अपीयर हो तो उसके चेहरे से लोग घबरा ना जाए डर ना जाए लोग ये ना कहें कि यार इसका तो मुंह धुला हुआ नहीं है इसने तो अपने बाल सही बनाए हुए नहीं है इसके ने तो चेहरा इस काबिल नहीं है कि स्क्रीन पे आ सके फिर उसका लिबास अखबार के रिपोर्टर का लिबास कैसा भी हो वो किसी को नजर नहीं आ रहा रेडियो के रिपोर्टर ने कोई लिबास पहना हुआ हो अगर उसकी आवाज़ ठीक है और वो कम्युनिकेटिव है आर्टिकुलेट है तो पूरा हो जाएगा लेकिन टेलीविजन स्क्रीन पे जब आप आ रहे हैं तो आपको घर के लोग भी देख रहे हैं आपके सीनियर्स भी देख रहे हैं आपके फील्ड के साथी भी देख रहे हैं आम आदमी भी सड़क पे चलने वाला देख रहा है और वो आपकी हर चीज पर तबसरा कर सकता है इसलिए आप जब स्क्रीन पे आए तो आपका ड्रेस अप्रोप्रिएट हो अगर आप जंग के महाजसे रिपोर्ट दे रहे हैं तो टाई और सूट में मत आए जंग के मैदान में या जहां पर कोई खुदकुश को हमला हुआ हो वहां इस किस्म का लिबास पहनकर अगर कोई रिपोर्ट करे तो लोग उस पर फपतियां कसेंगे इसी तरह अगर आप किसी वीआईपी का इंटरव्यू कर रहे हैं और आपने लिबास उस नोयत का पहना है जो फील्ड में जंग की रिपोर्टिंग का है तो लोग सोचेंगे कि ये कोई फौजी इंटरव्यू करने आया है ये तो कोई रिपोर्टर नहीं लग रहा ये तो कोई सड़क से उठ के आ गया है यू हैव टू टेक केयर इसी तरह आपकी बॉडी लैंग्वेज है आपकी बॉडी लैंग्वेज आपकी आंख आपके लिप्स आपके हाथ आपके चेहरे के तसरा अगर उस खबर के साथ नहीं आ रहे तो भी आपकी बॉडी लैंग्वेज कॉरेस्पॉन्ड नहीं कर रही एक टेलीविजन रिपोर्टर के तौर पर आपके पास भी कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए जब आप गुफ्तु कर रहे हो तो आपकी आवाज़ आपका अंदाज और आपकी बॉडी लैंग्वेज खबर सुनने वाले की तवज्जो अपनी तरफ ला रही हो इसलिए टेलीविज़न रिपोर्टर को अखबार और रेडियो के मुकाबले में बहुत मेहनत और एहतियात करनी पड़ती है इसके साथ साथ टेलीविज़न पर रिपोर्टिंग करते हुए आपको इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आपने इक्तसार से काम लेना है आपने कंसाइज होना है अगर आप कंसाइज नहीं हैं इकतसार से काम नहीं ले रहे और आप ड्रैग कर रहे हैं चीज़ों को तो वीवर फॉरन चैनल तब्दील कर देता है कि ये काम की बात नहीं कर रहा ये तो मौजू से हट गया है खबर की बजाय कोई और बात कर रहा है तो इसलिए टेलीविजन पे आपने वही बात करनी है जो ज़रूरी और कम्युनिकेशन के लिए लाजिम हो खबर को समझाने के लिए लाजिम हो आप अखबार के अगर रिपोर्टर हैं तो आप लंबी खबर भी लिख सकते हैं कारी अपनी मर्जी से जो हिस्सा चाहेगा पढ़ लेगा बाकी छोड़ देगा लेकिन टेलीविज़न रिपोर्टर को वो देख भी रहा है सुन भी रहा है इसलिए उसको बड़ी एहतियात की ज़रूरत है इसके साथ साथ आज के दौर में जैसे मैंने लेक्चर के दरमियान में आपको बताया कि टेक्नोलॉजी की जो डेवलपमेंट है उससे टेलीविजन रिपोर्टर को बहुत ज्यादा शनासाई चाहिए क्योंकि उसने अपना सिग्नल भेजना है उसने अपनी फिल्म एडिट करनी है उसने सेटेलाइट इस्तेमाल करनी है उसने कैमरामैन के साथ काम करना है उसने सेल फोन को यूज़ करना है उसने इंस्टेंटली कंपिटिटिव इस इरा में बहुत जल्द खबर भेजनी है तो उसको जब तक तकनीकी महारत उन चीजों पर नहीं होगी जो स्पीड बढ़ाने में मुआवन हो जो प्रेजेंटेशन को बेहतर कर सकती हो उस वक़्त तक वो रिपोर्टर आज के कंपिटिटिव दौर में टेलीविजन का रिपोर्टर आसानी से नहीं बन सकता फिर टेलीविजन रिपोर्टर को रेडियो और प्रिंट मीडिया के रिपोर्टर की नस्बत टीम लीडर का रोल बहुत ज्यादा अदा करना पड़ता है उसकी वजह यह है कि अखबार का रिपोर्टर अपना कागज पेन उठाएगा गाड़ी में बैठेगा या पैदल चल के असाइनमेंट पर पहुंच जाएगा उसको कोई लीडरशिप की एज सच उस तरह की जरूरत नहीं रेडियो का रिपोर्टर के साथ ज्यादा से ज्यादा एक इंजीनियर चला जाएगा वरना वो अपना नागरा टेप रिकॉर्डर या कोई भी जो रिकॉर्डिंग का इंस्ट्रूमेंट उसके पास है कैसेट रिकॉर्डर हो और माइक हो वो अपने हाथ में उठाकर भी ले जा सकता है लेकिन टेलीविजन रिपोर्टर इज अ टीम वर्क टेलीविजन के रिपोर्टर को कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि वो तने तनहा एक अच्छा रिपोर्टर बन सकता है टेलीविजन रिपोर्टर बगैर टीम के कभी सक्सेस स्टोरी बन ही नहीं सकता उसके पास जितनी अच्छी टीम होगी जितनी अच्छी उनकी इक्वेशन होगी उतना अच्छा वो रिपोर्टर बनेगा कैमरामैन से उसकी रिलेशनशिप उसके शॉर्ट कंपोजिशन में मदद देगी इंजीनियर से उसकी रिलेशनशिप उसकी एडिटिंग में मदद देगी ड्राइवर से उसकी ह्यूमन रिलेशनशिप बेटर उसको वक्त पे वहाँ पहुँचाने में मदद देगी टीवी टीम के यही मेंबरान जिनमें ड्राइवर इंजीनियर और कैमरामैन शामिल हैं जब रिपोर्टर को हेल्प करते हैं उसको असिस्ट करते हैं तो रिपोर्टर इस काबिल होता है कि वो मुख्तसर वक्त में बहुत ही अच्छी रिपोर्ट तैयार कर सकता है लेकिन अगर इस टीम में बाहमी इख्तलाफात पैदा हो जाएं या एक दूसरे को हेल्प आउट ना कर रहे हो तो असाइनमेंट में देर हो सकती है और ये चीजें तो बाद में तय पाती हैं कि किसकी गलती है लेकिन रिपोर्टर अपनी असाइनमेंट में कामयाबी हासिल करने में नाकाम हो जाता है इसलिए टीम स्पिरिट बड़ी अहम है और आजकल तो डी का जमाना है यानी डिजिटल सेटेलाइट न्यूज गैदरिंग डिजिटल सेटेलाइट न्यूज गैदरिंग के अमल में लाइव रिपोर्टिंग करना पड़ती है आप तस्वर तो कीजिए कि रिपोर्टर तो स्क्रीन पे जा रहा है कैमरामैन, ड्राइवर और इंजीनियर उनका कोई नाम भी नहीं जानता उन्होंने कितने वजनी कैमरे उठाए हुए होते हैं इंजीनियर कितनी बड़ी टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट दे रहा होता है और ड्राइवर कितने हैजर्डस और मुश्किल रास्तों से निकाल के रिपोर्टर को उस असाइनमेंट तक पहुंचाता है और रिपोर्टर गाड़ी से उतर के कैमरे के सामने खड़ा हो जाता है और अपने चंद अल्फाज बोलता है अपना नाम बोलता है और दुनिया भर में उसको लोग जानते हैं पहचानते हैं तो लेकिन ये जो गुमनाम सिपाही उस टीम के रुकन होते हैं जिनमें ड्राइवर कैमरामैन और इंजीनियर शामिल हैं उनकी पजीराई कौन करता है उनकी पजीराई रिपोर्टर कर सकता है उसके चंद अच्छे अल्फाज उसकी हौसला अफजा बातें और थोड़ा बहुत ह्यूमनली और फाइनेंशली जो वो अपनी टीम को लुक आफ्टर कर सकता हो उनका हौसला बढ़ा सकता हो वो उससे ही खुश हो जाते हैं उनको एकामोडेट करें टॉलरेंस अपने आप में पैदा करें कि उनकी बातें सुन सकें और इंतहाई सबर और पेशेंस से पूरी टीम को लेकर चलें क्योंकि मंजिल का फ्रूट उस असाइनमेंट का फ्रूट का 99 परसेंट रिवार्ड रिपोर्टर को मिलना है टीम के दूसरे अरकान को नहीं मिलना अगर उस रिवार्ड को वो देखे और समझे तो टेलीविजन रिपोर्टर अपनी टीम को बेहतरीन लुक आफ्टर करने की कोशिश करेगा टेलीविजन रिपोर्टर के साथ साथ अब इस तेज रफ्तार तकनीकी तरक्की में एक वेब रिपोर्टर का कॉन्सेप्ट उभर कर सामने आया है वेब रिपोर्टर क्या है आप सब इंटरनेट पर जाते होंगे मुख्तलिफ वेब खोलते हैं आप किसी सर्च इंजन पर जाए इसको खोलें तो आपको मालूम का जखीरा रिट्रीव होता है वो जखीरा कहाँ से आता है वो जखीरा वेब रिपोर्टर्स उसमें इन करते हैं वो मेटीरियल कहीं से गैदर करते हैं मुख्तलिफ सोर्स से उसके बाद वेब के उस पेज पर वो मेटीरियल डालते हैं उसके डालने के लिए वेब रिपोर्टर अगर आपने बनना है तो उसके लिए आपको इंटरनेट टेक्नोलॉजी की हिस्ट्री इसकी डिवेलपमेंट और इसमें मटेरियल को इन करना और रिट्रीव करना और उसको डिससेमिनेट करना की टेक्निक आनी चाहिए जब आप ये सारा मटेरियल उसमें डालते हैं तो आप एक अच्छे और कामयाब वेब रिपोर्टर बन सकते हैं तो साथियों अभी हमने टेलीविजन रिपोर्टर रेडियो रिपोर्टर वेब रिपोर्टर और न्यूज प्रिंट मीडिया रिपोर्टर के हवाले से उसकी क्वालिटीज और उसके रोल पर किसी हद तक बात की तो आज के लेक्चर में हमने बड़ी वाइड रेंजिंग चीजें कवर की हैं आज हमने डेफिनेशन ऑफ रिपोर्टर पढ़ी हमने रिपोर्टर और जर्नलिस्ट का डिफरेंस मालूम करने की कोशिश की हमने रोल ऑफ रिपोर्टर पढ़ा हमने क्वालिटीज ऑफ रिपोर्टर पढ़ा प्रिंट मीडिया रिपोर्टर रेडियो रिपोर्टर टेलीविजन रिपोर्टर और वेब रिपोर्टर पढ़ा तो मुझे उम्मीद है कि आज के इस लेक्चर से हमने रिपोर्टर के मुख्तलिफ पहलुओं उसकी शख्सियत उसके काम के तरीकेकार और उसके मुस्तकबिल की कामयाबी की जमानत के उसूलों पर तफसीली बात की है आप इन चीजों को रिकैप करें एंड इफ यू वॉन्ट टू बी ए गुड रिपोर्टर कीप ऑल इन माइंड यू विल बी ए सक्सेसफुल रिपोर्टर इसके साथ ही सरवर मुनीर राव आपसे इजाजत चाहता है आइंदा लेक्चर तक खुदा हाफिज